जी नाज़रीन, आपको इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दोबारा आपका खैर मकदम करते हैं। और इससे पहले फ़ज़ाइल जो है वो कुरान का जिक्र हो रहा था, उनके तमाम असकार आपकी खिदमत में पेश किए गए, और ये सिलसिला जो है वो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो जारी वसारी रहेगा, क्योंकि कुरान और अहले बैत का जो है उसके साथ तमस्सुक करने का हुक्म इलाही है, और उन दोनों के बग़ैर जो है वो कोई भी फतूहात मुमकिन नहीं हो सकती। और इस सेगमेंट में जो है वो हम बात करेंगे जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के ऊपर, उनकी ज़िंदगानी के ऊपर, उनके जो है वो उनकी तालीमात के ऊपर। और इसके लिए हमने जिस शख्सियत को दावत दी है ईरान के मुक़द्दस तरीन शहर कुम से, आप उनकी शख्सियत आपकी जानी पहचानी है, हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अब्दुल हुसैन मुसवी साहब। आपको सबसे पहले शहज़ादी के अय्याम का पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैं भी तस्लियत अर्ज़ कर रहा हूँ। क़िबला, इस वक्त हमारी गुफ्तगु कई यौम से शहज़ादी की सीरत के ऊपर जारी वसारी है। हमने जो है वो उनकी फ़ज़ाइल के ऊपर बात की, हमने उनके कुरान में उनके जिक्र के ऊपर बात की, मगर यकीनन एक सेगमेंट और ये प्रोग्राम मतलब अहाता नहीं कर सकता। 1400 साल हो गए इन शख्सियात के ऊपर बात होते हुए, और अभी तक जो है वो जब भी गुफ्तगू होती है, जब भी नई नस्ल आती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो बाज़ नए पहलू और निकल कर सामने आते हैं, शख्सियात ही ऐसी हैं। तो आज भी हम चाहेंगे कि कुछ इस वक्त का जो है वो इस फुर्सत से फ़ायदा उठाते हुए उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो सीरत है, सीरत तैयबा है, उसके ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अंतकनी बिलहुदा वलहमना तक्वा वफ़िक़नी लिल्लती हिय अज़का। पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अय्याम फ़ातिमिया की मुनासबत से साहिब कौन मकान इमाम ज़मान अज़ल्लाह ताला फ़र्ज़ शरीफ की खिदमत में बिलखसूस, और आपके नायब हज़रत इमाम ख़ामनई और जुमले मुराजे एज़ाम तक़लीद, और दुनिया भर के सभी बाबसीरत वो इंसान जो सैयदतुन्निसाइल आलमीन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत से आशना और उनसे उन्स रखते की खिदमत में अर्ज़ तसल्लियत करते हुए आज इस मुनासबत से मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हर ज़माने में ज़्यादा और ज़्यादा जावियों से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत ही कुछ ऐसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत जो हुई है वो जुमे के दिन 20 जमीयदुस्सानी, और ये विलादत सभी सवालात का जवाब देती है कि विलादत जो हुई वो बेसत के 5वीं साल में हुई, यानी जब ज़मीन और आसमान का राबता बरकरार हुआ था, वही शुरू हुई थी, कुरान नाजिल होना 5वें साल में दाखिल हो चुका था। और ये नहीं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेसत 5वें साल में हुई, बेसत के 5वें साल के अलावा इसकी जो और एक इम्तियाज़ है कि ये मेराज का तीसरे साल के बाद मक्के मुकर्रमा में वाक़ा हुई। यानी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसी अपने विलादत से ही वो जामे पैगाम अपने साथ लेकर आ रही है। तो अब कुछ ये भी पूछते हैं कि भई क्या फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक इकलौती बेटी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 औलाद थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से 7, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया क़िबतिया से 1। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से बेसक से पहले जिन 4 औलादों की पैदाइश हुई उनके नाम हैं कासिम, ज़ैनब, उम्म कुलसूम, रुकैया। और बेसत के बाद जिन 3 औलादों की पैदाइश हुई उनके नाम हैं ताहिर, अब्दुल्ला, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और बेसत के बाद हज़रत खदीजा के बग़ैर जो किसी दूसरी ज़ौजा से औलाद नसीब हुई वो हज़रत मारिया क़िबतिया हैं, और इस फ़र्जंद का नाम इब्राहिम है।
इस तरह बेसत और ऐलान रिसालत के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से तीन औलाद हुए, दो लड़के यानी ताहिर और अब्दुल्ला, और एक लड़की यानी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बेसत के 13 साल बाद हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने वफात किया, और इसके बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बेवाओं को अपने अख्द में लिया, जिनमें सिर्फ उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया क़िब्तिया से एक लड़का यानी इब्राहिम हुआ है, जबकि इस्लाम से पहले एक लड़का कासिम और तीन लड़कियां ज़ैनब, उम्म कुलसुम और रुकैया की पैदाइश हुई थी, और कासिम तो फूलियत में ही फोत हो गए, और ज़ैनब उम्म कुलसुम और रुकैया की दौरे जाहिलियत में शादी हो चुकी थी और अपने शोहरों के घरों को रवाना हो चुकी थी। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 औलादों में हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की अहमियत और अज़मत खुद ब खुद आया होती जाती है। हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का इम्तियाज़ सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होना नहीं है, बल्कि कठिन तरीन 5 साल आगाज़ वही, ऐलान रसालत और मेराज आलम का निचोड़ है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह इस जाविये से देखने की और समझने की ज़रूरत है कि किस चीज़ ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को इतनी अजमत हासिल हुई। इसीलिए हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को देखने के लिए दो किस्म की आँखें मिलती है, एक इलाही और दूसरी शैतानी। इलाही आँखें फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जौहर, जो कि कुरान और इस्लाम को तहरीफ होने से बचाने का सबब और कुरान नातिक समझते हैं, और शैतानी आँखें सिर्फ एक बेटी की, जिससे अरब जाहिलियत के बकौल जिससे बाप का रिश्ता टूटता है, तो जबकि कुरान इसे कौसर कहकर याद करता है। जो हम मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का विर्द करते रहते हैं, इससे मुराद सिर्फ 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम है, न हर कोई रिश्तेदार, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी का मेयार कुरान है और कुरान का मेयार इस पर अमली किरदार है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने अमल से, किरदार से, रफ्तार से, गुफ्तार से और अपने मासूम औलादों से अपने कुरानी मेयार को साबित कर दिखाया, न सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूनी रिश्ते के तौर पर। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल परछाई है, जबकि खुद अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि अवामुन नास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नहीं बन सकते, इसलिए आ हज़रत में किसी भी एक सिफत को अपने लिए नमूना अमल बनाए। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतन हसना, फ़ी जो है वहीं पर हमें रहनुमाई मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल नहीं कर सकते, इस बजुज वही जो 14 मासून हम कहते हैं कि ये 14 नूर एक ही नूर है, और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इन 14 नूरों में से एक नूर है, जिसे कुरान में जिसे निशा कह के कहा गया, और इससे पता चलता है कि ये पूरे वजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जमानी करते हैं। या कुरान एक तरफ ये कहता है कि बिस्मिल्लाह रहमान खान अबा अहदिन मिन रजा मा खान मोहम्मद अबा अहदिन मिन रजालिकुम वलकिन खातम नबी, ये किसी का बाप नहीं है, मगर दूसरी तरफ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कहते हैं उम्म अबिया, यानी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं कहता हूँ वो तो किसी का बाप नहीं है, उम्मी अबी यहाँ, क्योंकि कुरान कहता है कि किसी का बाप नहीं बल्कि खातमुन नबीन, बल्कि ये तमाम अंबिया की माँ कहलाने की सलाहियत रखती है। तो ये जामे अजमत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिर्फ बेटी होने के उनवान से हमें नहीं मिलती है, तो ये मुकम्मल परछाई है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये कुरान की मुकम्मल तैबीर व तफसीर है। हमने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के औलादों से कुरान और वहदानियत को समझा है कि आपके औलादों को लें, इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलाम को लें, इमाम हुसैन शहीद करबला को लें, आप मोहसिन को लें कि जिसे रसूल खुदा ने खुद अल्लाह अकबर इसके बेटे का नाम मोहसिन रखा था, उसकी शहादत बताइए कि वो बता रहा है कि
फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने किस पैगाम की पैगंबर थी और कुरान नातिक की मुजस्सम किस तरीके से थी, फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने किस चीज़ को सैयदत निसाए आलमीन बनाया, और इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतनी जामे कमालात हासिल करने वाली असल दूसरी खातून का कोई उनवान ही नहीं है। फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा बेनज़ीर हैं हर एतबार से, कि रवायात में है कि हत्ता अगर खुदा अली मुर्तज़ा अलैहि सलाम को खल्क नहीं करते तो फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को हम कुफू नहीं था। फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा एक ऐसी नूरानी शख्सियत है, वो मेराज का निचोड़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेयार करार देते थे कि जो फातिमा से राज़ी होगा उससे मैं राज़ी हूँ, जिससे मैं राज़ी हूँ उससे अल्लाह राज़ी है। और जब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में आती थी तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की इनकी तज़ीम में खड़े होते थे, ये किसी दूसरी बेटी में कोई मिसाल नहीं मिलती है। यहाँ तक कि असल न कोई ये माँ बाप के रिश्ते में भी अरब दुनिया में कभी ऐसा था कि बाप अपनी बेटी की तहजीम के लिए खड़े हो जाएं। उससे भी पता चलता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस चीज़ का पता देते हैं कि ये फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने कौन है, मैं मेराज से क्या लेकर आया हूँ और ये ज़मीन पर किस नूर का नाम है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को देखते थे और उनको सूंघते थे और कहते थे कि मैं तुम्हें वही खुशबू पाता हूँ जो मैंने मेराज में फलां दरख्त में वो खुशबू महसूस की है। और फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा में कलिमात में देखिए, आपने जो मेयार रखा है कि फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के कलाम में हम देख सकते हैं कि इतनी कम सनी की उम्र में इरफान के जो दरीचे खोल दिए इंसानों के लिए फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने, और इससे भी बढ़कर जो जिसके बारे में बहुत कम तवज्जो लोग करते हैं, ये कि जबराइल अमीन का नाजिल होना कोई मामूली बात नहीं है, अंबिया के लिए भी एक मखसूस मकाम है। मगर अगर जबराइल अमीन ज़मीन पर नाजिल हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो सिर्फ़ ज़ाते मुक़द्दस है फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा है। और जबराइल अमीन जो कुछ फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को पैगाम लेते आए, उसके कातिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम बने, यानी इमला फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने किया और लिखा अली मुर्तज़ा अलैहि सलाम ने, जो कि अभी इमाम ज़मान जल्ला ताला फ़रज़ शरीफ के पास है वो मख्तूता। तो फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को समझने के लिए हमें इन्हीं इलाही पैगामात को देखना है। अच्छा, रिश्तेदारी जी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दोनों तरफ कुतुब में मौजूद हैं, ये जितने भी फ़ज़ाइल और मानसब आपने बयान फरमाई, ये तमाम चीज़ों पर कुल्ली इत्तफाक पाया जाता है मुसलमानों के, अमूमन तमाम फ़िरक़ों के अंदर इन फ़ज़ाइल से इनकार नहीं करता कोई। मगर फिर क्या वजह हुई कि एकदम उम्मत ने रुख फेरा और गदीर की सनत को झुटलाया और शहज़ादी डोर टू डोर जाती हैं, दरवाज़े में दस्तक देती हैं, मगर कोई कहता है कि मुझे याद नहीं, कोई कहता है मैं बहरा हो गया, कोई कहता है मैं अंधा हो गया, ये क्या वजूहात पैदा हुई? और वो सिस्टम जो सिस्टम में विलायत था, अगर वो नाफिस हो जाता तो आज की दुनिया में मुसलमान किस नहज पे होता, मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाएं। देखिए, कुरान जो है ये इसका बयान सबूत है कि जिसकी इब्तिदा फातिहतुल किताब से हुआ, कि जिसमें सिर्फ रहमत रहमत रहमत, अगर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे हालात देखने को मिलते हैं कि हम कहते हैं कि अल्लाह इलाही अजाब नाजिल क्यों नहीं होती, यानी ऐसी हालत होती है, मगर उसका जवाब यही है कि क्योंकि मुसलमान शऊरी और गैर शऊरी तौर पर जो कुरान पढ़ता है और जो नमाज पढ़ता है वो रहम और रहम और रहम की दरख्वास्त करता है खुदा से, और उस रहमत की सबब वो जो है अजाब इलाही नाजिल नहीं होता। और रहम की जो जामे तर्जुमानी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
कि उन्हें रहमतन लिल आलमीन बना के भेजें, और रहमतन लिल आलमीन के औसिया जो 12 हैं वो इस रहमत की कड़ी हैं। अगर इस रहमत और इमामत को अपनी जगह रखा जाता तो कतअन पूरी कायनात रहमत से लबरेज होती और कालु सलामन सलामा का ये जो सजा हाकिम होता। फातिमा जहरा सलाम की अपनी जाम शख्सियत होते हुए हमें यही पैगाम मिलता है कि जो फातिमा जहरा सलाम को शहीद वलायत कहते हैं, जब फातिमा जहरा सलाम कब मैदान में निकलती है कि जब अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम को बैत लेने के लिए गसीड के लेने के का एहतमाम होता है कि किसी भी हालत में ज़बरदस्ती से बैत ली जाए, तो उस वक़्त फातिमा जहरा सलाम ये बताती है कि उम्मत का किरदार क्या बनता है, मुसलमानों का किरदार क्या बनता है। यकीनी अली इब्न अबी तालिब फातिमा जहरा सलाम का शोहर है, मगर फातिमा जहरा सलाम के यही रहमत और इमामत बता रही है कि अब हमें रहमत को बचाना है, इमामत और कुरान के नूरानी पैगाम को अमली शक्ल में बचाना है। और वो फातिमा जहरा सलाम अलैहा, क्योंकि अली मुर्तज़ा अलैहि सलाम न सिर्फ शोहर फातिमा जहरा सलाम के बल्कि इमाम वक्त भी हैं, खलीफे बिला फसल हैं और इमामुल मुमिनीन हैं, हुज्जत खुदा हैं, तो वो उनके दिफा के लिए मैदान में उतरती है। तो यहाँ पता चलता है कि उम्मत की उम्मत को बेदार करने के लिए कि आपने इमामत की बका के लिए विलायत के लिए अपने आप को क्या अपने तमाम जो मुतलकात हैं आपने फिदा करना है इमामत के लिए, तब जाके आप हकीकी मोमिन और मुसलमान कहलाएंगे। और फातिमा जहरा सलाम ने यही कुछ अमली पर और यही वजह जो हर दरबार में गई यही सुन्नत और सीरत उम्मत में ज़िंदा रखने के लिए कि तमाम मुश्किलात का हल आपके पास है इमामत, और इमाम कतअन आदिल और मासूम होना चाहिए। और जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने उन उस विलायत और इमामत की तरफ आपको रहनुमाई की है, आपको उसी पर डटे रहना है। और यही वजह है कि फातिमा जहरा सलाम को देखते हैं कि वो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ अता किया हुआ था, वो आजकल के ज़माने के लोग तो नहीं थे, वो बेहतरीन घर बनाने बेहतरीन खाना खाने के लिए तमा करते कि इख्तदार हमारे पास होता, बल्कि इमामत के पास इख्तदार होना यानी अदल का इजरा होना, रहमत का सराजीर होना और अल्लाह की खुशनूदी और अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की हाकिमियत यकीनी होना है। इसीलिए फातिमा जहरा सलाम अलैहा ने अपने जगह को छोड़कर मैदान में उतरकर ये सुन्नत कायम रखी कि आप विलायत के लिए सब कुछ फिदा करने के लिए मैदान में रहें। जज़ाकल्ला, बहुत खूबसूरत, बहुत तफसील के साथ, बहुत कम कलील महदूद मुद्दत के अंदर जो है वो आपने कुछ नुकात जो है वो हमारे मौजूद नाज़रीन की खिदमत में पेश फरमाए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं, ममनून हैं कि आपने अपना कीमती टाइम क़ुम से जो है वो हिदायत टेलीविज़न को दिया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे सैयद अब्दुल हुसैन मूसवी साहब को, आपने जो है वो शुरू से लेके जनाब सैयद सलामुल्लाह की सीरत के ऊपर गुफ्तगू फरमाई और उस नुक्ते की जानिब जो है वो तवज्जो दिलवाई के जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा पहली शहीदा विलायत हैं। जनाब जहरा सलामुल्लाह ने उस वक्त क़याम किया, यानी जिस वक्त खुदा के सिस्टम को ढाया जा रहा था, यानी विलायत से रूगरदानी की जा रही थी, विलायत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिम सलाम से रूगरदानी की जा रही थी, जब जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने क़याम किया। और ये ना के ये कि सिर्फ अपनी शोहर की मोहब्बत में, क्योंकि इमाम वक्त मौला अमीर मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे और उस इलाही सिस्टम को वो नहीं देख सकती थी कि वो जो है वो उसको उससे उम्मत उसको पसे पुश डाल दे, आपने क़याम किया और आपने ज़बरदस्त क़याम किया और आप पहली शहीदा करार पाती हैं परवरदिगार के सिस्टम को बचाने के लिए, विलायत के जो है वो तमाम निज़ाम को बचाने के लिए। तो ये तमाम सीरत है जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की, इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। हमें जाना होगा एक मुख्तसर सी ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएँगे तो टेलीफोन कॉल्स भी खोलेंगे, आपकी कीमती आरा भी हमें दरकार हुआ करती हैं, उनका भी शिद्दत से इंतज़ार करेंगे। चलते हैं फ़िलहाल एक ब्रेक पर।